अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली मेरी वॉइस आपको क्लियर है। अगर मेरी वॉइस क्लियर है काइंडली जल्दी से मुझे इन्फॉर्म कर दें ताकि हम अपने सेशन को स्टार्ट करें विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरी ऑडियो क्लियर है जल्दी से मुझे इन्फॉर्म कर दें। एंड जितने भी पर्सन इस सेशन में अगर उनके अपलाइंस हैं तो उनके माइक ज्वाइन करवाएं ताकि उनको कुछ सुनाई दे। बहुत तो सारे पर्सन के माइक ज्वाइन नहीं है तो उनको मेरी वॉइस नहीं जा रही। मैंने एक मैसेज डिलीवर कर दिया लेकिन यह है कि ओके मैम ठीक हो गया। तो कैसा रहा आपका कल का सेशन, समझ में आया, अच्छा लगा? आपने अपना टास्क कंप्लीट किया। कल मेरा आपके साथ डे वन का सेशन था, आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा डे टू का सेशन होगा। इसमें मैं आपके साथ कुछ बेसिक्स के ऊपर डिस्कशन करूंगी, हम अपनी बात को आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे। आज का सेशन बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा बिकॉज आज के सेशन में हम वर्किंग नेचर के ऊपर प्रॉपरली बात करेंगे, ठीक है? तो वर्किंग नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइमल्टेनियसली जितना ही प्लेटफॉर्म को जानना सुनना समझना इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका काम क्या होगा, आपकी वर्किंग नेचर क्या होगी उसको जानना। बिकॉज ऐसी बात, आप उसको अंडरस्टैंड करोगे तो आप उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो, ऐसा ही है। तो आज हम इसके ऊपर प्रॉपरली अपना सेशन कंडक्ट करेंगे। तो हम अपने जल्दी से सेशन को स्टार्ट भी करेंगे एंड उसके बाद आप लास्ट में मैं आपसे छोटा सा 5 to 10 मिनट का क्यूरी सेशन, क्यूरी पार्ट भी प्ले करूंगी ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी आपने क्वेश्चन मुझसे करना है, कोई डाउट है आपको, आप उसको क्लियर करो, ठीक है? तो टास्क कंप्लीट है सबके? आपका एक छोटा सा टास्क आपकी कम्युनिटी में आज आपको मिला था, हैव यू डन दैट टास्क? कल का सेशन कैसा रहा? कमिंग सेशन और आज के सेशन के लिए कौन कौन कितना एक्साइटेड प्लस रेडी है ये मुझे बताएं। और आज के सेशन के बाद इंशाल्लाह आपको कमिंग टास्क भी मिलेंगे, छोटी छोटी वीडियोस भी आपको मिलेंगी ताकि आपको मजीद अच्छे को सुन अच्छा सुनने और समझने को मिले। ओके गुड हो गया। ओके मैम ठीक है, थैंक यू। जी, आपको जो भी सेल्फ रिसर्च करनी है मोस्ट वेलकम। आप डायरेक्टली गूगल पे जाएं, अपने आपके क्वेश्चंस को क्लियर करें, सेल्फ रिसर्च करें। कोई भी पॉइंट आप डिस्कस करना चाहो डायरेक्टली डिस्कस इट विद योर अपलाइन। आपका जो अपलाइन है जिसने आपको इन कम्युनिटी इन सेशंस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड भी करते हैं। आप उनसे डिस्कशन करोगे ताकि कल को जाके जब आप हमारे ग्रुप का पार्ट बनो, हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनो, तो आप अच्छे से अपने टास्क को कम्प्लीट भी करो और अच्छे से अपनी वर्किंग के ऊपर फोकस भी करें, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज बेसिकली हमारा सेशन जो होने जा रहा है उसका मैं आपको टाइटल टॉपिक बताती जाऊँ, अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, साथ में मैं आपको टाइटल बताती हूँ, ठीक है? तो आज हमारा बेसिकली सेशन है सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग को कैसे आप हमारे काम में यूटिलाइज करोगे, इंटीग्रेट करोगे। आज सारी की सारी उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है? बिकॉज सोशल मीडिया मार्केटिंग की कितनी वैल्यू है, डिजिटल मार्केटिंग ने पूरी दुनिया पे अपना मतलब कदम जमाए हुए हैं बिकॉज उसकी वैल्यू है, उसके अंदर पावर है। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने उसको जितना अच्छे से सुनना है, कल को प्रैक्टिकल वर्किंग आप उतनी अच्छे से कर सकते हो। हाउ टू वर्क डिजिटली इन दिस एरा, ठीक हो गया? ओके मैम, आपके सभी क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, डोंट वरी। जाके जल्दी से अपने अपने अपलाइन को अपनी अपनी अटेंडेंस ड्रॉप कर दें, उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दें, आई एम इन लाइव सेशन या आई एम इन वेबिनार। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके भी जल्दी से उनको सेंड कर सकते हैं। आप उनको मैसेज करना चाहे मैसेज कर दें, तो 1 सेकंड के अंदर अपनी अटेंडेंस लगा के आ जाए विदाउट एनी फर्दर डिले। जल्दी से अपने सेशन को स्टार्ट करना है। अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपके अपलाइन को भी पता चले आप सेशन में हैं कि नहीं है, ताकि उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से जब गाइड भी करें उनको पता हो ना कि आपने अटेंड भी किया है कि नहीं अटेंड किया। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? मेरी वॉइस जल्दी से मुझे बता दें क्लियर है? ओके, अटेंडेंस ड्रॉप हो चुकी है सबकी? ओके, जिन एक दो पर्सन को मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, आपका नेटवर्क इशू होगा, तो काइंडली आप अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लें ताकि आपको मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से क्लियर है। तो लेट्स स्टार्ट विद माय ऑन इंट्रोडक्शन। कल का सेशन भी आपने मेरा अटेंड किया, उसमें भी आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना होगा। किस किस ने सुना और किस किस को याद है? माई नेम इज रुबाब गुल, वर्किंग एज अ मैनेजर विद दिस प्लेटफॉर्म, विद दिस टॉप मल्टीनेशनल कंपनी। और 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं मुझे इस प्लेटफॉर्म के साथ वर्क करते हुए। और आप सबको मैं वेलकम करती हूँ कि आप सब अपने जल्दी से ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करें, हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने, मेरे साथ अपने सेशन को स्टार्ट करें और जल्दी जल्दी से बेसिक लर्निंग को कंप्लीट करके प्रैक्टिकल वर्किंग की तरफ मूव करें। यहाँ पे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करती हूँ। कल मैंने आपके साथ एक स्क्रीन शेयर की थी गूगल पर जाके, हमने एक छोटी सी रिसर्च की थी
मेरे ही ऊपर, लाइक मेरा जो आर्टिकल है मैंने आपको उसको सर्च करके दिखाया था, तो कितने ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आफ्टर सेशन उसको सर्च करके देखा था गूगल के ऊपर? ओके ठीक है, थैंक यू। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? तो क्या लगता है आपको कि आप भी इस प्लेटफॉर्म के साथ स्टार्ट करके, ज्वाइन करके इस डेस्टिनेशन को अचीव कर सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगा? क्या आपको ऐसी फील आई? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? थैंक यू मैम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और जितने भी पर्सन आप में से, एक सरप्राइज है बाय द वे आप सबके लिए, जितने पर्सन आप में से अच्छे से फुलफिल करेंगे अपनी वर्किंग को और अच्छे से अचीवमेंट्स की तरफ मूव करेंगे, मैं खुद उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूंगी कि वो इंटरनेशनली अपना आर्टिकल अपलोड करवा सकते होंगे, मैं खुद उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूंगी। लेकिन वो आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, आपकी उसके लिए क्वालिफिकेशन होती है, जैसे आप उसको अचीव करोगे इंशाल्लाह यू विल गेट दैट। बेस्ट ऑफ लक। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्दर डिले के बगैर। तो आज बेसिकली हमारा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। प्रॉपर तरीके से मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूंगी और लास्टली मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में कैसे आपने करना है उसके ऊपर भी गाइड करूंगी। आज के सेशन के बाद आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को थोड़ा सा स्टेबल करना स्टार्ट कर देना है, ताकि जो कमिंग आपके बिगिनर की ट्रेनिंग के डेज हैं उनके साथ साथ ही आप जो है ना अपनी प्रैक्टिकल वर्किंग को भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दें, और आपका टाइम भी बचे और आपकी दोनों चीजें अच्छे से मूव करना स्टार्ट कर दें। ठीक हो गया? तो अब बात करते हैं आगे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग आपकी नजर में? डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसका क्या मतलब है? ओके, सादा वर्ड में अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करूं, आप डिजिटल मार्केटिंग को क्या कहते हो? उर्दू में आप इसका क्या मतलब समझते हैं? आप मुझे क्या बताएंगे? आजकल पूरी की पूरी दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग ही चल रही है, ऐसा है कि नहीं है? कैसे? हम कोई भी चीज अब सर्च करते हैं, आपको फिजिकल मार्केटिंग बहुत कम नजर आती है। अब हम छोटा सा एक घर में भी एक छोटा सा स्टोर भी बनाते हैं ना, घर में ऑनलाइन कपड़ों को सेल करना भी स्टार्ट करते हैं, उसके लिए भी हम क्या मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं या करवाते हैं? डिजिटली। क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के बगैर अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको पावर मिल सके। ऐसे ही है, कोई भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करें घर में, हमारे लाइक पेरेंट्स भी कोई भी काम स्टार्ट करें, सबसे पहले उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उनके ऊपर उनकी पिक्चर्स वगैरह अपलोड की जाती हैं, ऑनलाइन उनकी मार्केटिंग होती है। पहले क्या होता था, फिजिकल मार्केटिंग के ऊपर फोकस था। आज से कुछ साल पीछे चले जाएं कि फिजिकली डोर टू डोर मार्केटिंग होती थी, ऑफिस में मार्केटिंग हो रही है, अब वो दौर खत्म हो चुका है। वो सारा का सारा रिप्लेस किसने कर दिया है? डिजिटल मार्केटिंग ने। हमारे काम में भी आप कैसे वर्क करोगे कि आप घर बैठ के अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू अपना वर्क करते हो, अर्निंग करते हो और अपने पोस्ट वगैरह करते हो, डिफरेंट लोगों से कॉन्टेक्ट होता है आपका, उसके बाद आप फर्दर उसको प्रोसीड करते हो। सिंपल वर्ड में अगर हम इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करें, यूज ऑफ डिजिटल चैनल्स टू मेक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स या कंज्यूमर्स, जैसे मैंने आपको भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। तो आपने इसकी पावर को अंडरस्टैंड करना है। बेसिक डिजिटल मार्केटिंग से हर बंदा थोड़ा बहुत अवेयर होता है, मजीद डिस्क्रिप्शन आज के सेशन में मैंने आपको दे देनी है, उसके बाद आपने इसके यूजेज और इसकी प्रैक्टिकल वर्किंग के ऊपर अपना फोकस स्टार्ट कर देना है। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स आपके सामने मेंशन है डिजिटल मार्केटिंग की। कौन कौन सी टाइप्स मेंशन है आप जरा इसको रीड आउट करें, सामने स्क्रीन पे आपके सामने मेंशन है, इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करती हूँ। ओके गुड वन मैम, ठीक हो गया। इसमें से कोई भी ऐसी टाइप जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, जिस टाइप का आप ऑलरेडी जानते हो, कोई भी ऐसी है? सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट प्रमोशन, कंटेंट मार्केटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग मार्केटिंग, कुछ टाइप्स आपके सामने मेंशन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स होंगी डिजिटल मार्केटिंग की, लेकिन कुछ जो मोस्ट फेमस हैं टाइप या जो हमारे काम में हमें यूज करने को मिलती हैं कहीं ना कहीं जगह पे, हम उसके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारे काम में सबसे पहले यूज होती है। कैसे? बिकॉज हम सोशल मीडिया को तो यूज करके यहाँ तक आते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ आपको इसकी, आपका कॉन्टेक्ट आपके अपलाइंस से या जिस पर्सन ने आपको इसमें ट्रेनिंग के लिए इनरोल किया, कैसे हुआ है? आप आज इस सेशन में बैठ के मुझे सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं? आप मुझे पर्सनली तो नहीं जानते ना, या आपने डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट तो नहीं किया कि आपने मुझे कॉल की, मुझे मैसेज किया, मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया, आज आप बैठ के मेरा सेशन सुन रहे हैं, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ ना। आपका कांटेक्ट कैसे हुआ? बाय यूजिंग सोशल मीडिया, ऐसा है कि नहीं है? यस या नो? एक्टिवली पार्टिसिपेट करें चैट बॉक्स में,
तो जितना एक्टिवली आप चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा. ओके एग्जैक्टली ऐसा ही है. क्यों? दैट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया. तो आपने इस चीज को ही अंडरस्टैंड करना है कि जैसे आज आप अपनी ट्रेनिंग्स को लेके आप फर्दर मूव कर रहे हैं, कल को आप भी ऐसे एक नेटवर्क बिल्ड करोगे. आज से 3 साल पहले मैंने भी ऐसे ही अपना वर्क स्टार्ट किया था, नेटवर्क बनाना स्टार्ट किया था, और आज मैं इस जगह पे हूँ जिस जगह पे इंशाल्लाह कल को जाके आप में से भी बहुत सारे पर्सन होंगे जो उसको सीरियसली मूव ऑन करेंगे. सर्च इंजन मार्केटिंग इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसको SEO भी कहते हैं, SEM भी कहते हैं. आपको इसकी डिटेल स्टेप बाय स्टेप मिलती जाएंगी. ईमेल मार्केटिंग से पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मार्केटिंग होती है, और ईमेल से कोई आप उस पर काम करते हो. लेकिन अभी आपको वन बाय वन सारी चीजें खुद क्लियर की जाएंगी, आपको उसकी टेंशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. और हमारे प्लेटफॉर्म में हम किन सोशल मीडिया एप्स को यूज करके अपनी मार्केटिंग करेंगे, ये भी इसी सेशन के एंड पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. एफिलिएट मार्केटिंग होती है, प्रमोशन होती है, कॉन्टेंट मार्केटिंग होती है, इंस्टेंट मैसेजिंग मार्केटिंग. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इंस्टेंट मैसेजिंग की कौन सी है? कौन सी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंस्टेंट मैसेजिंग की? व्हाट्सएप. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लगती है आपको कि नहीं लगती? ठीक है, एग्जैक्टली सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है. व्हाट्सएप एक इस तरह का टूल है कि हम विद इन 30 सेकेंड्स पाकिस्तान या ऑल ओवर दिस वर्ल्ड दुनिया किसी भी कॉर्नर में बैठ के किसी भी पर्सन से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं. ऐसा ही है. कैसे कर लेते हैं हम कांटेक्ट? कैसे हम कांटेक्ट कर लेते हैं? सोचें, इस तरह से हम कांटेक्ट करते हैं कि हम इंस्टेंट मैसेजिंग मार्केटिंग को उसमें यूज करते हैं. उसके थ्रू हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड बैठ के पूरी दुनिया में अपने यूज करते हैं टूल्स को और कांटेक्ट करते हैं. एक इसकी एक बेसिक टाइप है, इंस्टेंट मैसेजिंग की टाइप है. तो आपने इस चीज की पावर को अंडरस्टैंड करना है, ताकि आपको उसको अंडरस्टैंड करने को मिले और आप उस पर फोकस करें. और कल को जाके जब आप इस तरह के टूल्स को यूज करें ज्यादा अपनी वर्किंग में, तो आपको पता हो आप किस तरह के टूल्स को यूज कर रहे हैं, या जिस टाइप की मार्केटिंग के अंदर आप एडअप और एडअप होने जा रहे हो उसकी बेसिक कैटेगरीज कौन कौन सी. ठीक है, ओके. उसके बाद हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की. कुछ प्लेटफॉर्म आपके सामने मेंशन है जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू बहुत ज्यादा ग्रोथ ली है और अब अपना एक नाम बनाया हुआ है, जिसमें कुछ टॉप MNCs ऑफ द वर्ल्ड, मल्टीनेशनल कंपनीज पूरी दुनिया की मेंशन है, जो कि एक टाइम पे कुछ भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मार्केटिंग की वैल्यू को यूज किया, इसकी पावर को यूटिलाइज किया और आज वो पूरी दुनिया पे राज कर रही हैं. ई कॉमर्स मार्केट की बेस ही डिजिटल है. ई कॉमर्स मार्केट में शॉपिफाई वगैरह आते हैं, ई बे, एटसे, अमेजोन, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं शॉप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की. अब ये देखें कि आपको इसका स्पेशल ऑफिस नहीं मिलता. ठीक है, आपने इसको ऑनलाइन वे में स्टार्ट करना होता है, कंटिन्यू करते हो. ये इतनी बड़ी मार्केट अगर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू रन हो रही है, तो आप अपना एक छोटा सा सेटअप नहीं उसके थ्रू रन कर सकते? पॉइंट है ना. फूड इंडस्ट्री की बात करें, फूड पांडा, डिफरेंट सोशल फूड एप्स जो हैं, उनकी इतनी वैल्यू है कि हम सब उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं कि ताकि खुद लेके आना या किसी और चीज पर रिलाई करना. तो ये सारी की सारी बैकएंड पे किसकी बेस पर रन कर रही है? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, और डिजिटल मार्केटिंग के फॉर्मूला की बेस पर ही रन कर रही है. ऐसा ही है. तो यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट इट्स पावर. एग्जैक्टली. अब कुछ इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं. आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन, आप इसको खुद जरा रीड आउट करें और मुझे ये बताएं कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको इसमें से अच्छा ना लगा हो. नो बाउंड्री ऑफ टाइम एंड स्पेसिफिक एरिया. आपको कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है. आपको फेम एंड रिकॉग्निशन घर बैठे बैठे मिलता है, जिसमें से एक सबसे सुपर एग्जाम्पल कल मैंने खुद की आपको प्रोवाइड की. घर बैठ के ड्यूरिंग स्टडी मैंने फेम भी हासिल कर लिया, रिकॉग्निशन भी हासिल कर लिया, जिसको आप सब भी हासिल कर सकते हो. पैसिव इनकम की बात कर लें, कल मैंने आपको सेशन में एक्सप्लेन भी किया कि पैसिव इनकम फॉरएवर आपको पैसिव और एक्टिव दोनों तरह की इनकम्स को प्रोवाइड करता है, दोनों इनकम्स आपको प्रोवाइड करता है. ठीक है, वरना पैसिव इनकम हमें बिजनेस में मिलती है और हम बिजनेस एज अ स्टूडेंट नहीं स्टार्ट कर सकते, उनके बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है कि आप ऑनलाइन घर बैठ के विदाउट कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर या एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स के बगैर उसको स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, यू आर बिल्डिंग योर ऑन एसेट, इनहेरिटेबल इनकम है, लविश लाइफ स्टाइल है. अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि आपको इन सारे पॉइंट्स में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो अट्रैक्ट किया है या अट्रैक्ट कर रहा है कि आप उसको देख के डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एंटर होना चाहते हैं, आप मुझे क्या बताओगे? आप लविश लाइफ स्टाइल के लिए एक्सपेंड होना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, इंडिपेंडेंसी हासिल करने के लिए, अपनी स्टडी के खर्चों को बेयर करने के लिए, फ्यूचर बिल्ड करने के लिए, दुनिया घूमने के लिए, क्या करने के लिए आप इस फील्ड में एंटर होना चाहते हो? आपका क्या एम है, क्या मकसद है आपका? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट एम अगर आप किसी भी फील्ड में एंटर होते हो, तो आप उसमें जल्दी सस्टेन नहीं कर पाते हो.
क्यों? क्योंकि आपका कोई एम ही नहीं होता। तो अगर आप एक सेकंड के लिए एक एक्टिविटी अगर हम करें, आप मुझे इसका क्या आंसर दोगे? गुड वन। पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, ओके गुड वन। दुनिया घूमनी है मुझे, खुद है इंशाल्लाह। अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करने के लिए, गुड मैम। एग्जैक्टली, हर बंदे का ना कोई एम होता है। विदाउट एम अगर हम किसी भी फील्ड में एंटर हो तो हम जल्दी उसमें स्टे नहीं कर पाते, हम जल्दी उसको अचीव नहीं कर पाते, अपनी रिक्वायरमेंट को हम जल्दी उसमें ग्रोथ नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि हमारा कोई एम नहीं होता। तो इसलिए आज आपने अपने आज सेशन के बाद आपने अपना एक प्रॉपर एम बनाना है कि आप किस एम को लेके इस वर्किंग के अंदर एंटर होना चाहते हो, किस एम को लेके आप फॉरएवर के साथ अपना काम स्टार्ट करोगे। आपको क्या लगता है कि वो प्लेटफॉर्म आपको क्या क्या दे सकता है? क्योंकि जितना बड़ा हमारा एम होगा, हम उसके लिए उतना ही एफर्ट करते हैं, उतना ही हम उसके लिए काम करते हैं। जितना हम छोटा सा अपना एम, अपने ड्रीम, अपनी ड्रीम लिस्ट जितनी छोटी रखते हैं, उतना ही हमारी हमारे रिसोर्सेज हमें लिमिटेड करना स्टार्ट कर देते हैं नेचुरली। क्यों? क्योंकि हमने हमारी जितनी सोच होगी ना, उतने हम आगे से मिलेंगे। एग्जैक्टली। तो अपनी ड्रीम लिस्ट को हमेशा फुली प्रिपेयर रखते हैं, बिकॉज जो बंदा प्लानिंग के साथ नहीं चलता, वो लाइफ में बहुत मुश्किल से सक्सेस हासिल कर पाता है। एग्जैक्टली मैम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो आपके एम्स हैं और स्पेशली अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए, इंशाल्लाह यू विल अचीव ऑल दैट। गुड हो गया। उसके बाद कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स मेंशन है एम्प्लॉयज के लिए, हाउसवाइफ के लिए, स्टूडेंट्स वगैरह के लिए। बिकॉज जो ऑनलाइन वर्किंग है या डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके पास ये है कि इसमें आपके पास कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसमें इसको जॉबियन नहीं कर सकते, इसको स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, इसको हाउस वाइफ नहीं कर सकती, इसको ये नहीं कर सकता, इसको वो नहीं कर सकता। आपके पास इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें अंडर 16 बंदा भी, अंडर 18 बंदा भी इसमें काम कर सकता है। ठीक है, एक पर्सन 40-50+ ईयर्स भी क्रॉस कर गया, वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो ऑलरेडी हाउस वाइफ है, वो भी इसमें काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी एग्जाम्पल अगर दूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन भी हमारे साथ वर्क करते रहे हैं जिनके बच्चे मेरे जितने ऑलमोस्ट, ठीक है, लाइक बहुत सारी फीमेल्स हैं माशाल्लाह से, कि वो एजड हैं, उनके उनके खुद के बच्चे मेरे खुद के जितने हैं। इस तरह के पर्सन भी यहाँ पे वर्क करते हैं एग्जैक्टली। और 9-10 के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे वर्क करते हैं। तो आपने इस चीज को कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। तो कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स आपके सामने मेंशन है कि आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, आपकी स्किल्स घर बैठ के डेवलप हो रही होती हैं, आपकी कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेस है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो रही होती है, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इनकम की कोई लिमिट नहीं है, आप इजिली लर्न करते हो। ठीक है, लाइक जैसे बहुत सारे पर्सन पूछते हैं कि यार कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आया, आप इतने सारे लोगों के सामने बैठ के बात कैसे कर लेते हैं, या आप की वो इसमें कॉन्फिडेंस कैसे आया? तो मेरा आंसर क्या होता है आगे से, विद टाइम, विद बेटर अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उसको ग्रैब करके उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हो, तो ऑल ऑटोमेटिकली वो आपको सारी रिलैक्सेशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। इंशाल्लाह कल को आप भी जाके बात करेंगे, बोलेंगे और अपने चीजों को बिल्डअप करेंगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आप बोल के उसको डन करते हो सक्सेसफुली, या फर्दर मूव कर रहे हो तो। ठीक है, कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे हाउस वाइफ के लिए भी मेंशन है कि वो घर से इजीली वर्क कर सकती हैं। अच्छा, बहुत सारी हाउस वाइफ के लिए अगर हम जॉबियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनके लिए जॉब करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अपनी फैमिली के साथ उसको मैनेज करना। आप इस बात से अग्री करते हैं या नहीं करते? आप में से कितने पर्सन है जो मेरी इस बात से अग्री करते हैं कि ऐसा है, या कितनी ऐसी हाउस वाइफ है जो राइट नाउ बैठ के मुझे सुन रही है, वो इस बात से अग्री करती हैं? बिकॉज उनको टाइम मैनेज करने में बहुत मुश्किल आ रही होती है, और पीछे उनके पास उतना अच्छा सैलरी पैकेज नहीं होता कि वो कहें कि चलो ठीक है, हम मैनेज कर रहे हैं। मतलब आपको उतनी अच्छी अर्निंग आ रही है तो आप मैनेज कर रहे हो, तो आपको आप पर्सनली सेटिस्फाई हो। क्योंकि हमारे इनकम पैकेजेस पाकिस्तान के जॉबियन से बहुत कम है, आपको खुद भी इस चीज का पता है। अनफॉर्चुनेटली इसमें भी अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है ये, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तो है। इसलिए उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो घर बैठ के इजिली काम कर सकती हैं, अपनी फैमिली को टाइम दें, और उनकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रूम होती है क्योंकि वो हर तरह के पर्सन से बात कर सकती हैं। जी, सबके मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, सेशन के एंड पे उन सबको मैं रिस्पॉन्स करूंगी, अपने सेशन के एंड पे मुझसे क्वेश्चन कर लेंगे। कुछ वेज है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के आपके सामने एक्सप्लेन है, जिसके थ्रू आप अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग की एक बहुत इसमें अच्छी टर्म है, इन्फ्लुएंसर्स की बहुत अच्छी टर्म है। अच्छा, छोटी सी आपको यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देती हूँ इन्फ्लुएंसर्स की। इंस्टा पे हम बहुत कॉन्सेप्ट देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स का, समझते होंगे सारे इसका वर्ड, मतलब जानते भी होंगे। अब तो बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स, ब्लॉगर्स भी हैं जो कि इन्फ्लुएंसर खुद को कहते हैं, बट एक स्पेशल स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर
इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में ही होता है। तो ये प्लेटफॉर्म आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि लोग आपसे कांटेक्ट भी करते हैं, आप एज अ इन्फ्लुएंसर भी सर्व कर सकते हो। ठीक है, बात किस चीज की है कि जब आप एक चीज के अंदर एंटर हो जाते हो, उसके आगे से आगे से आगे से बहुत रस्ते, बहुत डोमेन खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे आपको वेरिएशन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं जिसके ऊपर आप फोकस करके अपने रिजल्ट निकाल पाओ और अपने काम को सक्सेसफुली डन कर पाओ। ठीक है, इंशाल्लाह होपफुल गुड। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं, बिजनेस विद और विदाउट कैपिटल। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने टू फेमस पर्सनालिटीज मेंशन है, जिसमें एक एलन मस्क है और जिसमें एक स्टीव जॉब्स है। उन दोनों की नेटवर्थ भी आपके सामने मेंशन है, जिसमें 198 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है एलन मस्क की एंड 10.2 बिलियन की है स्टीव जॉब्स की। ठीक है, आप इन दोनों पर्सनैलिटी से वाकिफ होंगे। अब जब इन दोनों पर्सन ने स्टार्टअप किया था, बहुत सारे रिजेक्शन को फेस किया विदाउट कैपिटल जब इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, कैपिटल मतलब एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के बगैर जो स्टार्टअप किया, कि हम कहते हैं कि यार मैंने बिजनेस तो करना है बट मैंने ये स्टार्ट नहीं करना, मैं जीरो से ही करूंगा, मैं इससे ही करूंगा, मैं उससे ही करूंगा। करने को तो आप कर लेते हो लेकिन आप उसमें ग्रोथ नहीं ले पाते हो। क्यों? क्योंकि जिस चीज की रिक्वायरमेंट बेसिक जो है ना, अगर आप उसके बगैर उसको फुलफिल करोगे तो ऑब्वियसली बात है, अगर एक चीज ने 6 महीने में फुलफिल होना है, आपने इसकी रिक्वायरमेंट 50% भी डन नहीं की है, तो आपकी वो चीज तो साल 1.5 साल कहीं नहीं फुलफिल होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होंगी फिर ही आप इस चीज के ऊपर वर्कआउट करोगे। जब इन दोनों पर्सनैलिटीज ने भी इस बात को अंडरस्टैंड किया, प्रॉपर विद कैपिटल स्टार्ट लिया, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ हुई और आज आपके सामने मेंशन है। तो यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, फुलफिल करना है, ताकि आप कल को जब जाओ ना, आपको प्रैक्टिकल वर्किंग में आपकी कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट ना हो जिसको आपने फुलफिल ना किया हो। ठीक है, उसमें आपकी ट्रेनिंग आ जाती हैं, आपके टास्क आ जाते हैं, आपकी और बहुत छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, आपके अकाउंट्स के अपग्रेडेशन आएंगी, आपके अपलाइंस आपके बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, छोटे छोटे टास्क देते हैं, आपका इंटरव्यू आएगा। तो बेसिकली ये कि आपकी यही काम है, कोई एक्स्ट्रा और नहीं है कि आपने कोई पेपर पेंसिल पे कुछ उनको नोट्स बना के देना, कोई ऐसा काम नहीं। तो थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर। ये पॉइंट्स ना आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप इन पॉइंट्स का काइंडली जरा एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपकी आज का टास्क कह लो छोटा सा, कि आपने खुद आज सर्च करना है थोड़ा सा जाके कि आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बनने के लिए कौन कौन से पॉइंट को ज्यादा हाईलाइट रखोगे अपने लिए, बिकॉज आप ही इस फील्ड में एंटर होने जा रहे हैं। ठीक है, आप उस फील्ड में एंटर होने जा रहे हैं, तो जितना अच्छे से आपने इस फील्ड को अंडरस्टैंड करना है उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा और आप उतना अच्छे से उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने अपने आ, आ, अपना स्क्रीनशॉट ले लें इसका। 1 मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। टास्क आपका ये है कि आपने सर्च आउट करना है कि आप किन किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखोगे अपनी प्रैक्टिकल वर्किंग जब स्टार्ट कर लोगे तो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया तो चैट बॉक्स में टाइप टू कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोग एक्टिवली अटेंटिवली बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं सुन रहे। टाइप टू इन द चैट बॉक्स। ओके, गुड हो गया। बाकी सब पर्सन ठीक हो गया। स्टेप्स इन्वॉल्विंग सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, आपके सामने स्टेप्स मेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसकी कमिंग स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्किंग का आइडिया देना स्टार्ट करना, और आपने इसके ऊपर आपको छोटा सा टास्क मिलेगा, आपने उसके बाद उसको स्टार्ट कर देना है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना, ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करना, थोड़ा सा आप इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देना। तो ये सामने जो आपके स्टेप्स कुछ मेंशन है, आप स्टडी करें, रीड आउट करें, अपलोड स्टोरी, शेयर पोस्ट, बाय प्रोफाइल एंड पेज, डायरेक्ट मैसेजेस आप कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी बायोस वगैरह को अपडेट करेंगे, उसमें लिंक्स ड्रॉप करेंगे, हैशटैग हो गए, पेड एड्स हो गई, अनपेड मार्केटिंग हो गई, पेड मार्केटिंग हो गई, जिसमें गूगल एड्स आती हैं, फेसबुक एड्स आती हैं, और अनपेड हम सारे सोशल मीडिया के ऊपर यूज करते हैं, ग्रुप्स को, फेसबुक के ऊपर हम ग्रुप्स को यूज करते हैं, मार्केट प्लेस को यूज करते हैं, सारी चीजें आप इनसे फेमिलियर हो गए, ऐसा ही है। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर ये सारे आपके बेसिक हैं काम जिसको आपने करना स्टार्ट कर देना है आज से ही ऑनवर्ड। क्यों? क्योंकि ये आपकी बेसिक वर्किंग का पार्ट है। आपका काम क्या है कि आपने अपने थ्रू बिजनेस को प्रमोट करके पर्सन को ज्वाइन करवा के अपना एक नेटवर्क बनाना होता है, अपनी एक टीम बनानी होती है। बिजनेस को आप कैसे प्रमोट करोगे, नेटवर्क आप कैसे बनाओगे, क्वेश्चन आता है ना, आता है कि नहीं आता?
अब जब आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमने कैसे करना है, तो आपने अपनी चीज को नेक्स्ट पर्सन को प्रेजेंट करना होता है। हमने अपने सोशल मीडिया यूज करना, देखो हम कहते हैं कि ऑनलाइन वर्किंग है, ऑनलाइन का मतलब होता है घर बैठ के करनी है। अब घर बैठ के हम कैसे काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया को यूज करेंगे तो करेंगे ना। अब जैसे मैं अपने घर में बैठी हूँ, अपने रूम में बैठी हूँ, अब यहाँ से मैं किसी तक अपना मैसेज पहुंचाना चाह रही हूँ, मैं कोई काम करना चाह रही हूँ, तो मैं एक ऐसा मीडियम यूज करूंगी जिसके थ्रू मैं लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकूँ। मैं फिजिकली तो उनके पास नहीं जा रही, मैं जाके उनसे पर्सनली तो एक एक से नहीं मिल रही, बात कर रही, उनको अपना पैगाम पहुंचा रही, अपनी फील्ड में एंटर करवा रही, लेकिन मैं उनको वर्चुअली या ऑनलाइन या सोशल मीडिया के थ्रू उन तक अपना पैगाम पहुंचाऊंगी, उनको अवेयरनेस दूंगी और अपने नेटवर्क का पार्ट बनाऊंगी। हर दुनिया का बिजनेस इसी तरह से चलता है। अब जैसे एक वाटर मिनरल बनाने वाली कंपनी है, वो पानी की बॉटल्स बना के मार्केट में बेच देती है, आगे से कस्टमर उसको नहीं अगर खरीदेगा तो पानी की बॉटल्स बड़ी बड़ी है उसको इनकम दे देंगी क्या? पानी की बॉटल्स बड़ी बड़ी उनका जो उन्होंने उसके ऊपर बनाने पर कॉस्ट लगाई है, पैसा लगाया, वो पूरा कर देगी, उनको प्रॉफिट मार्जिन दे देगी? पूरी दुनिया का रूल है कि एक इवॉल्वमेंट के साथ चलता है। कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ खरीदता है, कोई कुछ बताता है, कोई उसको ग्रैब करता है, कोई किसी चीज की नॉलेज प्रोवाइड करता है, कोई उसको पकड़ के उसके ऊपर अमल करके अपने आप को बिल्ड करता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा रूल है इसको अंडरस्टैंड करना। हम सोशल मीडिया से घर बैठ के सारा काम करेंगे। इसमें यह है कि आप डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करते हो, आपने अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है, आज आपके सारे अपलाइंट आपको इसके ऊपर गाइड करेंगे कि आपने अपनी बायोस में क्या क्या अपग्रेडेशन करनी है, आप कुछ डाटा प्रोवाइड किया जाता है, वीडियोस पिक्चर्स वगैरह पोस्टर्स वगैरह आपको थोड़े मिल जाएंगे ताकि अपने अकाउंट आप अपलोड करना स्टार्ट कर दो। मेजरली आप किन अकाउंट को यूज करोगे? फेसबुक, ठीक है, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, कैनवा। कैनवा क्या है? ये एक एडिटिंग की, ग्राफिक डिजाइनर के लिए एडिटिंग की कैप है जिसमें आप पोस्टर्स वगैरह को एडिट कर सकते हो। आपको कैनवा भी पूरा सिखाया जाएगा यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं लेने की मुझे तो कैनवा नहीं आता मेरा क्या बनेगा। नो, डोंट वरी, आपको यहाँ पे पूरा का पूरा खुद सिखाया जाता है। व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे करनी है, फेसबुक पे आप मार्केटिंग कैसे करोगे, और लिंक्डइन पे आप कैसे पोस्ट ड्रॉप कर सकते हो, कैसे अपनी बायो अपडेट करोगे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, सारा कुछ आपको खुद सिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस सेशन में मैं आपको बेसिक डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि भी क्या 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 है, कैसे करना है, ये आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर हर डाटा भी खुद प्रोवाइड किया जाता है। आपने जैसे उसको कॉपी करना है, थोड़ी सी इसमें चेंजेस करनी है और पेस्ट करनी है, आपने क्या अपलोड करना है आपको खुद बताया जाता है, तो टेंशन की नीड नहीं है। हाँ, अगर आप उसके ऊपर वर्क नहीं करते हो, अगर आप उसको ध्यान से समझते नहीं हो, फिर तो जाहिर सी बात है आपने नुकसान खुद कर रहे हो ना। तो इसलिए आपका काम क्या है कि जो चीज आपको मिल रही है आपने उसको अच्छे से ग्रैब करना है, उसके ऊपर फोकस करना है, जो कि आपका टास्क है, जो कि आपकी चीज है, उसको उतने अच्छे से फुलफिल करना है ताकि आपको उतने अच्छे से उसके रिजल्ट मिले। ठीक है, आज से आपको थोड़ा सा एक टास्क स्टार्ट हो जाएगा। वो टास्क ये होगा कि आपने डिफरेंट फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स को ज्वाइन करना स्टार्ट कर देना है। आम सिंगल तरीके से, सॉरी सिंपल तरीके से, जैसे आप ग्रुप्स को ज्वाइन करते हो वैसे ही आपने ग्रुप्स को ज्वाइन करना स्टार्ट करना है। और कीवर्ड्स आप कौन से यूज करेंगे कि सर्च बार में आप क्या सर्च कर रहे हो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, आपके अपलाइंस आपको रात में एज अ टास्क इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके एक और छोटा सा काम है कि कल रात के डे 3 के सेशन से पहले पहले आपने अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन इन तीनों की बायो को अपडेट कर लेना है कि आपकी बायो बताए कि यार मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होने जा रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। जैसे आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को जाकर विजिट करो, मेरी बायो आपको कुछ बता रही होती है। ठीक है, तो ये आपके छोटे से दो टास्क हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ऐप की तरफ जाएंगे, उनको यूज करेंगे वन बाय वन ताकि आपको बर्डन फील ना हो और आप इजीली उन सब चीजों को अंडरस्टैंड कर लो, ताकि आपकी आज से थोड़ी सी प्रैक्टिकल वर्किंग भी स्टार्ट हो जाए। तो आपके कौन से दो टास्क हैं सबको समझ में आ गया तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं, आपको गेट करने को मिल गया कि नहीं मिला, जल्दी से बताएं। अब आपने अपनी इन्वॉल्वमेंट को स्टार्ट कर देना है, अब फ्री नहीं बैठना, जल्दी जल्दी से अपने टास्क को कंप्लीट करना है, बिकॉज अब आपकी ट्रेनिंग थोड़े हायर लेवल की तरफ मूव कर रही है, और जितना अच्छे से आप उसमें इन्वॉल्व होगे उतने अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई, अपने दोनों टास्क समझ में आ गए हैं? नहीं समझ में आया तो मुझे जल्दी से बता दो, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। मैम, आपने फेसबुक के ऊपर 10 to 15 ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, 10 ग्रुप्स मिनिमम पर डे आपने ज्वाइन किया करने हैं, आज से आपने स्टार्ट कर देने हैं। ज्वाइन कैसे करने हैं, कीवर्ड्स क्या है, आपका अपलाइन आपको पर्सनली प्रॉपरली इनबॉक्स में गाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका काम ये है कि आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन इन तीन प्लेटफॉर्म की आपकी जो सामने की बायो होती है उसको अपडेट करना है। अपडेट क्या करना है, वो आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स के, कुछ सोशल मीडिया के, इंस्टा पे कुछ प्रोफाइल से लिंक शेयर कर दिए जाएंगे, आपने उसको विजिट करना है, उसको अपडेट करना है। ये दो काम है आपके। आप इसको करना कैसे है, ये सारा का सारा आपको प्रॉपरली आपका अपलाइन साथ में बैठ के करवाएगा। टेंशन ये है कि मुझे तो करना नहीं है तो मैं क्या करूंगा, काम क्या करना है आपने, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके, गुड है, अब क्लियर हो गया, अब तो नहीं किसी को कोई डाउट, मैंने रिपीट भी कर दिया।
है, कुछ स्क्रीन पर आपके सामने मेंशन है, जैसे हम इस तरह पोस्ट करते हैं, इस तरह आप भी पोस्ट वगैरह करोगे, कुछ आपके सामने ये मेंशन किया है ताकि आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो, गेट करने को मिले, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज का सेशन आपको बाय द वे कैसा लगा है? आपको डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यू समझ में आई है, उसकी पावर समझ में आई है? आपको क्या लग रहा है कि हाँ मैं वाकई इसके अंदर एंटर होके अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? काम कितना आसान है, कितना मुश्किल है, क्या लगा आपको आज के सेशन? क्या आप मुझे शॉर्ट सा अगर रिव्यू देना चाहो मुझे क्या बताओ? एग्जैक्टली, छोटे छोटे से आपके टास्क हैं, आपको वो कंप्लीट किए करवाए जाते हैं, आपको यहाँ पर हर चीज खुद बताई जाती है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे, आप उसको समझोगे नहीं और बस मतलब सब कुछ बस मिल रहा है और बस उसको ही लेते जाएंगे और दैट्स ऑल। नो, आपको जब एक चीज मिल रही होती है अगर आप उसके ऊपर फोकस नहीं करते हो, उसको और उसके ऊपर अपने जो आपके रिजल्ट हैं उनको इम्प्लीमेंट सॉरी आपकी जो बेसिक उस पर प्रैक्टिस है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, आपको रिजल्ट नहीं आते। तो आपका क्या काम है कि आपने बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड करना है, अपने आप को एक्साइटेड रखना है, अपने टास्क को अच्छे से कंप्लीट करना है, ताकि आप कल को जब प्रैक्टिकली अपनी वर्किंग को, जैसे आपका फाइनल प्लान क्लियर हो, छोटा सा आपका एक इंटरव्यू भी होगा जिसमें आप आजकल जो आप लर्निंग ले रहे हो उसी के बेसिक क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं। अगर आपको समझ में ना आएगा आपको रिपीट भी करवा दिया जाता है। अगर आप इन सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे तो ही आप कल को जाकर अपनी अच्छे से प्रैक्टिकल वर्किंग स्टार्ट कर सकते होंगे, अपना नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर सकते होंगे और इंशाल्लाह एक अच्छी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे ताकि आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिले अकॉर्डिंग टू योर वर्क, ठीक है। तो आप जितना अच्छे से इस प्रन्योर को एंजॉय करोगे, आप फोकस करोगे, उतना ही समझ में आएगा। तो दैट्स ऑल, कैसा रहा आपका सेशन? आपने अपने अपलाइन को इन्फॉर्म करना है, लास्ट के आपको मैंने छोटे छोटे एक से दो टास्क दिए हैं, आपने उनको कंप्लीट करना है। ट्राई किया करने कि आप वॉइस नोट के अंदर अपने अपलाइन को ना रिस्पॉन्स दिया करो, क्यों? क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। जब मैंने अपनी ट्रेनिंग्स को स्टार्ट किया था ना, तो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे बात करना नहीं आती होती थी, मतलब वॉइस नोट करते टाइम ऐसे शायद फील होता था कि पता नहीं कैसा होगा, कैसी आवाज आएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा ऐसा ये चीजें आप में, आप जब इन चीजों में इन्वॉल्व होते हो ना, आप में कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होता है। तो आपके पास एक सुपर ऑप्शन है कि आप अपनी ड्यूरिंग ट्रेनिंग से अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेके आए, आप कल को प्रैक्टिकल वर्किंग में बहुत अच्छे से कंटिन्यू करो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच कि आपने सुना, समझा, अंडरस्टैंड किया। और किसी को भी क्वेश्चन है, लास्ट 1 मिनट है हमारे पास, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और कितने पर्सन रेडी हैं कि अपना कल डे 3 लेने के लिए भी रेडी हैं, और उससे पहले जो आपके एक से दो टास्क हैं आपने इसको कंप्लीट करना है। आपकी कम्युनिटी में भी आपको एक छोटा सा वीडियो लिंक शेयर किया जाएगा, आपने उसको भी वॉच करना, आपको उसको वॉच करके बहुत ज्यादा हेल्प आउट मिलेगी। ओके। ओके, सो आर यू रेडी टू मूव टुवर्ड्स योर नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन? एक्साइटेड है? ओके, थैंक यू सो मच, सेशन को अमेंड करते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आपको इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है, आपने अपलायंस इसकी रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अपनी कम्युनिटी में एक्टिव रहा करें ताकि जितना आप एक्टिवली रिस्पॉन्स करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उतनी आपको समझ में आएगी। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और अपने अपलायंस को अपने टास्क के रिस्पॉन्स और अपना होमवर्क वगैरह सेंड करना और वॉइस नोट में स्पेशली एक्सप्लेन करना ये नहीं भूलना आपने, क्योंकि जितना अच्छे से आप इन्वॉल्व होगे उतना ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छे से उसके ऊपर फोकस कर सकते होगे। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।